कभी कभी ज्यादा हो जाता था। एक बार उसने गुस्से में मेरे बाल काट दिए कैंची लिए और काट दिए मुझे सीधे। उनकी जो मेड है उन्होंने वो देखा था उसको गिरते हुए। बिकनी नहीं पहननी, आई एम गोइंग, जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ओके ओके लेट्स डू इट, वेरी नाइस। नॉट वेरी कंजर्वेटिव बिकॉज मेरी मम्मी हिंदू थी, तो उस टाइम 5,000 रुपये भी इकट्ठा करने को परेशानी हो रही थी कि कहाँ से लाएंगे 5,000। पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो जाएगी और हम लोगों को इतना पसंद आएंगे तो वो नहीं सोचा था। हाँ तो मैंने रौनित के पूरे बॉडी में मेरे पूरे नाखूनों के निशान थे बिकॉज वो मैंने ये दिल तुमको दिया, ओ मेरी महबूबा, ये मेरा फेवरेट। Hello everyone, this is me Nandini Roy, you're watching me only on Bollywood Tikana on our exclusive show Autobiography only on Tikana. Well, aaj ki hamari guest bahut hi khaas hain, khaas isliye hain kyunki inhone 1992 mein film ki thi, debut film ki thi Jaan Tere Naam, aur isi film se wo raaton raat star ban gayi thi. Stardom aisa tha ki tehlka macha diya tha aur laakhon dilon ki ye jaan ban gayi thi. इतना ही नहीं, इन्हें माधुरी दीक्षित से भी बहुत ज़्यादा कंपेयर किया गया, लेकिन ये मानती हैं कि इनकी खूबसूरती खुद में ही लाजवाब है। वेल, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में, इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और कैसे इन्होंने फिल्मों से दूरियां बना ली और अपने प्रोफेशनल लाइफ को छोड़कर पर्सनल लाइफ यानी कि फैमिली लाइफ को संभालने में लग गई और मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गई। पूरी कहानी क्या है, जिंदगी इनकी कितनी बेहतरीन रही, चलिए इस बारे में डिटेल वे से बात करते हैं। सो लेट्स वेलकम द वेरी गॉर्जियस, द वेरी ब्यूटीफुल एंड द वेरी टैलेंटेड फरहीन प्रभाकर मैम। वेलकम मैम। हाय, थैंक यू, इट्स सच अ प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। थैंक यू। हाउ आर यू फीलिंग, कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज? I'm feeling good. It's nice. How is Mumbai treating you? Mumbai is always good, but just the weather, I'm little. It's difficult to cope up. Yeah, but I'll manage. काफी समय से आप दिल्ली रह रही हैं, so Mumbai must be, you know, little hot for you. Yeah, humid. So yeah, it's okay. So, आज आप हमारे साथ शो पर हैं, काफी कुछ बातें करेंगे और काफी आपको नजदीकी से जानने की कोशिश करेंगे। There are so many things that we want to know and of course our audience want to know. So first thing first, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ पैदा हुई, कहाँ स्कूलिंग किया, सब कुछ हमें डिटेल में बताइए। आई एम अ महाराष्ट्र बॉर्न इन औरंगाबाद एंड लिव्ड इन मुंबई ऑल माई लाइफ। ओके, ब्रॉट अप हियर, स्टडीड इन माउंट मैरी स्कूल इन बैंड्रा, कंप्लीटेड माई स्टडीज, डिड माई कॉलेज इन नेशनल कॉलेज 2 years, एंड बाय द टाइम आई कुड जस्ट डू गिव माई 12th एग्जाम एंड आई गॉट इनटू मूवीज, सो नो फर्दर एजुकेशन। ओके, या सो मूवी में आपका कैसे आना हुआ, आप बचपन से प्लान कर रही थी मूवी में? बचपन से, सी बीइंग फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, आई नेवर प्लान्ड दिस, बट आई न्यू आई वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड आई न्यू मिरर सेड इट ऑल दैट मेरे को देयर वाज समथिंग व्हिच वाज गॉड गिफ्टेड बिकॉज इन माय फैमिली नोबडी इज एन एक्टर, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं है, बट रीना रॉय एंड बरखा रॉय सपोज टू बी माई मदर्स चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ओके, सो वन फाइन डे वी जस्ट चलो एक मस्ती में फोटो शूट करते हैं। सो वो फोटो शूट किया सेम बिल्डिंग जिम्मी अंकल वॉज स्टेइंग, हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, एंड दे वर लुकिंग आउट फॉर दिस हीरोइन, एंड 2 दिन में उनका मुहूर्त था। सो वो फोटोज हैंग हो रही थी, उस जमाने में डिजिटल नहीं था, सो उन्होंने कहा आई वॉन्ट दिस गर्ल, कॉल्ड मी नेक्स्ट डे एंड देन जर्नी, द फर्स्ट फिल्म हैपेंड टू यू, सो एवरीथिंग केम बाय फ्लूक, सो नथिंग, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ज्यादा क्या स्ट्रगल का मतलब ही मुझे नहीं पता है। मैंने पोर्टफोलियो लेके भी गई नहीं, सो मुझे नहीं पता स्ट्रगल क्या होता है। जैसे अभी मैं देखती हूँ मेरा बेटा जाता है ऑडिशंस देता है और इतनी मेहनत करता है, लाइन्स याद करता है, फिर उसके लिए वो रिंग लाइट की अलग से खरीदनी पड़ती है, यू नो अपना ऑडिशन बनाओ, आई हेल्प हिम डू दैट, आई नेवर डिड ऑल दैट, मुझे पता ही नहीं था, पोर्टफोलियो लेके भी नहीं। पहली बार जब वो मुझे आए लेने के लिए कि आपको बुला रहे हैं प्रोड्यूसर साहब, फॉरवर्ड, सो ऐसे ही घर की हालत में आई वेंट। जैसे परसों है हमने आपकी शूट देखा है शिप्रा शुक्ला के घर पे, अच्छा, हु टू लिव इन बेल्सकॉट टावर, हु डिड माय फोटो शूट, तो वो फोटो देख के उन्होंने मुझे लिया, सो मैं खुद भी नहीं गई थी, एंड देन दे डिमांड वाज लाइक आप बिकनी पहनना है इस फिल्म में, तो मुझे ये भी, कौन सी फिल्म की बात, जान तेरे नाम आपकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म जी, सो आई डिडंट नो ऐसे क्या होता है, तो वो उनकी वाइफ वहाँ बैठी थी, जाकी श्रॉफ दे ऑलवेज सिटिंग आउटसाइड, they said, I said no 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 I'm going I can't do this, I can't wear this, so imagine a girl, a new girl saying no, pehli film mil rahi hai, main heroine mil rahi hai, and she saying nahi nahi mujhe nahi karna, main ja rahi hu, they said okay koi baat nahi, one piece pehen lena,
एंड स्विमिंग नहीं आती थी तो उस वन पीस का भी मतलब नहीं पता था. सो दे सेड नहीं नहीं ये है ऐसा होता है फोटो. उस जमाने में मैगजीन होती थी जी. सो मैगजीन विद हाँ हाँ ओके आई विल मैनेज विद दिस ऐसा. लवली. सो दे आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ स्ट्रगल एटलीस्ट फॉर मी देयर वाज नो स्ट्रगल. अच्छा ये भी हमने सुना था कि इस फिल्म जान तेरे नाम में आपको कास्ट करने से पहले ममता कुलकर्णी जी को कास्ट किया था. आई डोंट नो. यू डोंट नो. ऐसे मैंने सुना तो था जी कि जब जान तेरे नाम मुझे जैसे मैंने कहा मैं तो दो दिन में मिली थी तो ऑब्वियसली उन्होंने पहले हीरोइन हंट तो की होगी ना जी. ऐसा तो है नहीं कि दो दिन में ही उनको हीरोइन चाहिए ऐसा नहीं है. राइट. शायद उन्होंने किया होगा और मुझे भी ऐसे सुनने को मिला है कि ममता कुलकर्णी को क्या किस वजह से फिर नहीं लिया. दैट आई डोंट रियली स्टोरी. यू डोंट नो. नो. सो दैट्स व्हाई उनके पास सिर्फ दो दिन थे. शिल्पा शेट्टी डजंट नीड टू टेल मी थैंक यू. ओह यू लाइक बाजीगर एज़ वेल. या बिकॉज़ दैट्स अ न्यू थिंग वी डिडंट नो. आई लेफ्ट. टेल अस मोर अबाउट इट. और बताइए इस बारे में. आई लेफ्ट बाजीगर बिकॉज़ व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस रोल शिल्पा शेट्टी वाला आई वाज डूइंग अ शिवाजी गणेशन फिल्म इन माय फर्स्ट फिल्म इन तमिल विद कमल हसन. बिग डील. या तो उसके बाद सब लोगों ने मुझे बोला कि दैट इज़ अ मेन हीरोइन शिवाजी गणेशन. आई मीन ये तो आते रहेंगे सेकेंड लीड सो डोंट लीव दैट. एंड वर्किंग विद कमल हसन उस जमाने में 30 साल पहले वॉज अ बिग थिंग. लाइक मैं जब यहाँ सबको बोलती थी सैनिक की फिल्म शूटिंग चल रही थी अक्षय एंड अश्विनी भावे दे ऑल न्यू आर यू वर्किंग विद कमल हसन ऐसा होता था रिएक्शन. सो वो फिल्म की डेट्स और ये क्लैश थी तो आई डिडंट हैव एन ऑप्शन. आई सेड छोड़ दो. I don't need to. She nobody needs to thank anybody. It's your destiny. Of course. कि आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो मिलता है वो मिलना है वो मिलेगा. जी आपके नसीब में वो लिखी है. Yeah. तो जानते रहे नाम was my film. I got it. अब वो किसने छोड़ी किसने वो that's history. वो फिर जिसने छोड़ी उसका loss है. That's not. I like your attitude. So अब regret होता है क्या बाजीगर क्योंकि शाहरुख खान बादशाह खान है. I never regret anything in life. You don't. I never regret any. When I got married, I settled down. I got my children. People say you're coming back after 25 years. You miss. You know, Delhi ke log bhi bolte the. हाँ. Delhi ke log थोड़े से अलग हैं. जी. Chilled out नहीं है like Bombay people. They're very inquisitive to know. Oh, आप miss करते हो. आप glamour world को miss करते हो. नहीं miss करती हूँ. I mean, अगर मैंने एक चीज को decide किया है कि मुझे ये करना है. I mean, why should I regret them? Very true. So, अगर मैंने गृहस्थी और उसको चुना when I got a good man in my life, I married him. So then I have to whatever I do, then I give 100%. So when you're giving 100%, so then you don't have to look back and regret anything, no? So it was, आपने ये decide किया हुआ था कि अगर शादी आपकी होती है, आप रिश्ते में आती yeah, है, yeah. तो आप फिल्मों से अपना नाता तोड़ देंगे. अगर मैं बॉम्बे में नहीं based थी, हाँ. अगर मैं बॉम्बे में based होती, I would have worked. अच्छा. हाँ, obviously वो passion है, वो जाता नहीं, वो निकलता नहीं. जी. But मेरा था कि I lived in Delhi. So okay. There was no like you know एक वहाँ आस पास भी वो नहीं है कि कुछ भी फिल्मी कनेक्शन. जी. एंड देन आई हैड माई चाइल्ड इन 98 माई फर्स्ट बॉर्न. ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे. ओके. देन माई सेकेंड डिलीवरी इन 2003 आई केम टू मुंबई फॉर माई विद द सेम डॉक्टर. ओके. तो बच्चे भी यहीं हुए मुंबई में. बट देन अगेन लाइक यू नो उनकी परवरिश वहाँ हुई दिल्ली हुई. या जी. थोड़ा हम पीछे चलते हैं. जान तेरे नाम आपकी जिंदगी की सबसे सक्सेसफुल मूवी है. हम ज़्यादा उस बारे में बात करना चाहेंगे. सो उस फिल्म के दौरान जो आप शूट पे थी तो क्या क्या मतलब पहली बार सेट पे जाने का कैसा एक एहसास था? सेट पे जाने का एहसास से ज़्यादा वो जो मुहूर्त का दिन था. मुहूर्त शॉट लाइक मेरे बेटे का अभी कल ही रैप अप हुआ है शूट. जी. तो वो बहुत शान से यू नो उसने इंस्टा वो हमारे ज़माने में तो इंस्टा वगैरह नहीं होते थे. जी. तो उसने इंस्टा पे डाला आई सेड वेट आई विल सेंड यू समथिंग. तो मैंने यूट्यूब में जाके जान तेरे नाम का मुहूर्त शॉट निकाल के उसको भेजा. बिकॉज उसमें लहरे का था. जी. सो वो जो फर्स्ट डे मुहूर्त का दिन का जो शॉट है वो मेरे लिए आई थिंक टिल द लास्ट डेट ऑफ माई लाइफ वो हमेशा रहेगा मेरी इमेजिनेशन में तस्वुर में हमेशा रहेगा. वो मैं भूल नहीं सकती. वो जो फीलिंग है ऑफ ओ आई एम एन हीरोइन और यू नो जिस तरह से हर कोई मुझे कैप्चर कर रहा था. दे सुभाष राय वॉज देयर लाइक एवरीबडी वॉज देयर ऑल बिग नेम्स वर देयर और मैं आधे लोगों को जानती भी नहीं थी. जी. बाद में पता चला अच्छा ये यू नो इज गॉट अ बिग नेम. मुझे नहीं पता था. जिन्होंने क्लैप लिया था ओपी रलहन जी. जी. सो आई डिडंट नो हु ही वॉज वो क्योंकि हमारे ज़माने से भी नहीं थे. बट बाद में पता चला कि ही इज़ अ बिग नेम और जिमी अंकल के बहुत अच्छे दोस्त थे वो. सो वो मेमोरीज आई कैन नॉट फॉरगेट दैट मोमेंट. सो लाइफ एकदम आपकी ड्रीमी हो गई. या
एंड इसके रिलीज के बाद जब पता लगता है कि पहली फिल्म है इतनी आसानी से मिली और फिर सक्सेसफुल भी हो गई, तो मैंने वो जर्नी क्या थी? हर चीज फ्लूक से आती है और अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज बीन काइंड कि हर स्टेप में मैं सक्सेस ही मिला है मुझे, एंड आई विल ऑलवेज थैंक गॉड फॉर दैट। हाँ, लेकिन आप सिर्फ तकरीबन 5 से 6 साल आपने काम किया है, फैंस को आपने? आई वर्क फॉर 10 इयर्स। 10 इयर्स, ओके, बिकॉज़ यू स्टार्टेड योर जर्नी 1992 में। 91, बिकॉज़ एक साल लगा ना फिल्म कंप्लीट होने में। जी, ओके, 91 वी स्टार्टेड, 92 इट रिलीज्ड। हाँ, सो 91 जनवरी में हमने स्टार्ट की थी जी, 92 फेब 21 को रिलीज हुई थी। हाँ, ओके, एंड देन I worked year about 17-18 films. Then I did a lot of South Indian films. Okay, but Bollywood mein aapka last film 1996 release tha. I think so. Yeah. Sanjay Dutt ke saath thi Amanat. Ji. Amanat thi shayad. Ji. And 96 till my first son was born. To wo when I was pregnant that time also I worked in 98. So yeah. And then uske baad after my delivery, main 2000 tak kaam kiya hai. Okay. After my first baby, because then I did a telefilm of Raat Sippi. Okay. Which the name was Jal, Kumar Gaurav मेरे husband play किए थे। अच्छा। Those days telefilms होती थी Star Plus पे। Okay। तो मैंने 2000 तक काम किया, 2000। फिर 2001 में then I decided के okay ना। To leave Bombay and shift to Delhi। वो shift तो पहले हो गई थी, but like एक permanently वहाँ back and forth था। 2001 then I shifted there. 2003 my second son was born, then there was no looking back। आपकी बातों से बहुत ही हमें दिखाई पड़ रहा है कि आप काफी family oriented हैं। Yes. राइट, वेरी मच, फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, इसलिए आपने अपने करियर को भी कहीं ना कहीं साइड लाइन कर दिया। ओके, एंड इट वाज वर्थ इट, इट वाज वर्थ इट, सो यू हैव नो रिग्रेट्स? नो, पीछे मुड़कर आप देखो तो आपको रिग्रेट है ही नहीं? नो नो, आई गॉट एवरीथिंग व्हाट गॉड, लोग स्ट्रगल के बाद इतना मांगते हैं उनको नहीं मिलता, मुझे झोली में मिल गया तो मैं क्यों फिर रिग्रेट करूँ, उसका शुक्र अदा करके जिंदगी गुजर जाती है। Such a positive attitude. Yeah. Really, we need to learn something from you. So, जान तेरे नाम जब release होती है, successful हो जाती है, back to back फिल्मों के offers आने शुरू हो गए होंगे आपको? Yeah. So, क्या क्या सोचती थी, क्या script देखती थी, क्या समझ? नहीं, उस जमाने में script नहीं देखते थे, उस जमाने में heroine खूबसूरत है बस ले लेते थे, कोई story नहीं कुछ नहीं, बस heroine चाहिए, अक्षय कुमार hero है, अविनाश वाधवान hero है, रौनित रॉय hero है, बस उस जमाने में यही 3-4 लोग चलते थे जी, तो बस हीरोइन चाहिए होती थी, तो वो फिट बैठते थे, जहाँ मैं फिट बैठती थी अगर मेरे हिसाब से मिलता था तो वो कर ले, जैसे अनिल दा की मैंने फिल्म की थी, अनिल गांगुली की दिल की बाजी, जिसमें मैं, अक्षय कुमार, आयशा चुलका एंड अविनाश वाधवान जी, वी फोर वर देयर, सो हमने तो ये भी नहीं पूछा इस फिल्म की स्टोरी क्या, जब रिलीज हुई तब देखी, अच्छा ये फिल्म ऐसी बनी है। सो ये सिर्फ आपका एटीट्यूड था फिल्म करने से पहले, फिर अक्षय, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम लोग, वो लोग शायद सुनते होंगे उनका, बिकॉज उस हम मेनली जो था ना लाइक मेल स्टार्स, मेल डोमिनेटेड, तो हमें एक होता था कि हीरोइन चाहिए जिसके 4 गाने होंगे जी, जिस वेदर यू नो लाइक यू हैव टू, जो भी हीरो के साथ आपके सीन्स हैं, गाने हैं, एक हीरोइन की जरूरत होती थी हमें, चैलेंजिंग रोल्स, और बहुत अभी जैसे इतने अच्छे अच्छे रोल्स आ रहे हैं, लोग कर रहे हैं, हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म्स मिल रही है, और कितना टैलेंट दिखाने का अभी जो मौका मिल रहा है हीरोइंस को, वेदर इट्स विद्या बालन, व्हिच इज माय एज आई थिंक मे बी अ ईयर और टू इधर, बट जो इन लोगों को मौका मिला ना टैलेंट दिखाने का, वो मेरे उस वक्त नहीं था, तो इस चीज का रिग्रेट है? नहीं है, क्योंकि अभी मिलेगा, रिग्रेट कम बैक तो कर रही हैं आप, वाओ, अभी मिलेगा ना। हाँ, Okay. Because it's not the age, the factor is that आपको वो मौका जब मिलता है उसको grab करो और दिखा दो काम। So true. Yeah. फिर आपने दूसरी फिल्म आपकी अक्षय के साथ भी, अक्षय के साथ आपने तकरीबन 3 से 4 फिल्में की। वो manifest किया था ना मैंने, because I had a crush on him. Really? Oh God. ये हमें नहीं पता था। Yes. Tell us more about it. मुझे याद है, I was very young that time. 89 और 90 में मेरे ख्याल से जब उनकी मडैलन में शूटिंग हो रही थी अक्की की विद शांति प्रिया, एंड हम मडैलन घूमने गए हुए थे, यंग क्राउड फैमिली, तो जब मैंने पहली बार अक्षय को देखा ना, आई जस्ट यू नो फेल फॉर हिम, सो गुड लुकिंग, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, यू नो इतना हैंडसम, एंड देन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो एक कैमरा को देखती थी तो मुझे लगता था मैं रिलेट करती हूँ, ओके यार आई हैव टू वर्क विद हिम, वो दिमाग में था, वो मैनिफेस्टो मैंने किया, वो शायद इतना तगड़ा हुआ कि मेरी उसके साथ 3-4 फिल्मों की लाइन लगा दी आपने। सो व्हेन आई वर्क्ड, व्हेन आई वेंट फॉर द सौगंध का शूटिंग फर्स्ट टाइम, व्हेन आई, शांति प्रिया वाज देयर एंड अक्की वाज देयर, राज सिप्पी वाज सच अ लवली काइंड मैन कि हमारी फैमिली को उन्होंने बुलाया, ओके हाँ बैठिए आप लोग, क्योंकि उस जमाने में ना इतना मीडिया टूरिस्ट ये सब नहीं होता था, सो जो लोग शूटिंग देखने आते थे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता था,
सो पहली बार आई हैड मेट अक्षय दैट टाइम एंड ऑफ कोर्स वी डिडंट स्पीक टू ईच अदर बट बस देख के लग रहा था आंखों में बसा लिया था. तो जब अक्षय के साथ पहली बार आपने फिल्म किया तब उनको बताया कि आपने मैनिफेस्ट किया था? नहीं नहीं, मैं आई ऑलवेज सेड आई हैव अ क्रश ऑन यू. ओह, यू टोल्ड हिम? या, आई एम वेरी ब्लंट. सो उनका क्या रिएक्शन था? कुछ हंसता था वो बेचारा, क्या बोलेगा. और सैनिक में भी मैं उसकी जब बहन बनी थी तो मुझे ऐसा लगता था जब वो सीन होता था कि जब मुझे भैया बुलाना पड़ता तो मेरे दिल को तकलीफ होती थी. सीरियस? वाह. एंड देन एक गाना था जिसमें अश्विनी भावे का था, मेरी वफाई याद करोगे. हां, रो लवली सॉन्ग. या, इट्स वेरी नाइस सॉन्ग. बट या, ही इज अ लवली 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 को-स्टार. लवली को-स्टार. सो ही इज अ फेवरेट को-स्टार. माय फेवरेट क्रश, माय फेवरेट को-स्टार एंड टिल डेट आई थिंक अक्षय जैसा को-स्टार मिला भी नहीं है क्योंकि ही इज सो काइंड. कुछ साल पहले भी मैं उनको JEE मेरिट में मिली थी. द वे दैट हग, दैट यू नो, दैट वॉर्म्थ वाज देयर. ही इज अमेजिंग. ही कैन नॉट फॉरगेट. उसको एलिफेंट वो है, मेमोरी. ही इज ग्रेट. नाइस. ही हैज नो, कहते हैं ना कि अभी मैं जो भी आई डोंट वांट टू नेम, बट जितने भी दूसरे को-स्टार्स के साथ मैंने काम किया है तो मैं देखती हूँ उनकी बातों में इतना ज़्यादा एटीट्यूड है और अजीब बिहेव करते हैं. बट अक्षय का मुझे ऐसा लगता है कि ही इज द सेम, हम्बल एंड नाइस, वेरी नाइस, वार्म, बेस्ट पर्सन, बेस्ट को-स्टार एंड बेस्ट ह्यूमन बीइंग आई हैव मेट. सो लास्ट इंटरेक्शन आपकी उनसे जब मैरिट में मिली थी तो क्या हुई थी? बस ऐसे हेलो आई, उन्होंने मुझे ट्विंकल से मिलाया, बाय बाय, सेड हाय, व्हाट्स अप, व्हाट यू डूइंग, ये वैसे बच्चे हैं, बिजी विद फैमिली, ये वो. ओके, जस्ट अ फॉर्मल नॉर्मल टॉक. लंच था, इट वाज अ बुफे, तो दैट्स इट. एंड या, सो द मोमेंट्स वर नाइस, इट वाज गुड, मजा आता था शूटिंग पे. मोबाइल्स नहीं होते थे, कुछ नहीं, तो इंटरेक्शन का वक्त होता था. मोर ऑथेंटिक ना, मोर रियल. मोर रियल. सब बैठते थे, गुड्डी मारू थी, वो होते थे सैनिक में, वो भी थे, तो सब बैठते थे, बहुत फन मोमेंट होता था. सैनिक इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज. या, तो वो टाइम पे जो यू नो बातें होती थी, जोक्स होते थे, यहाँ तो मोबाइल पे लगे रहते, किसी को किसी के साथ बात करने की फुर्सत. तो द मोमेंट्स वर वेरी नाइस. मतलब अभी और एक चीज़ में अभी याद आ गई मुझे, मैंने अभी रिसेंटली कॉफ़ी विद करण में अक्षय का इंटरव्यू देखा था. yeah. जो मुझे उसके उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. इनफैक्ट व्हेन आई मीट हिम, आई एम गोना टेल हिम दैट एंड आई एम गोना से थैंक्स टू हिम. जब उनको करण ने पूछा था कि व्हाट डू यू मिस उस जमाने का, आपको क्या मिस करते हो आप 90s का, तो उन्होंने कहा था आई मिस माई हीरोइंस ऑफ दोस टाइम्स. एंड सडनली यू आर वन ऑफ देम. आई वुड बी वन ऑफ देम. Why so not? So, अश्विनी, मी, शांति प्रिया, यही सब हीरोइंस थी इनके साथ. बिल्कुल. सो व्हेन ही सेड के आई मिस, अब मेरी जो हीरोइंस थी वो जमाने में जिनके साथ मैंने 90s में काम किया, आई मिस देम. सो वो मुझे बहुत बहुत टची लगा. एज आई सेड, आई ऑलवेज बीन नोन दैट ही इज अ लवली पर्सन. सो लवली पर्सन. सो क्या उस दौरान भी अक्षय बिल्कुल डिसिप्लिंड और क्योंकि वो तब भी शुरुआत से ऐसे हैं? शुरू से. उनका टिफिन आता था कई बार, हमें उनका बॉय को कहते थे दिखा क्या है, तो उसमें बॉयल सब्जी होती थी, सैलेड होता था. सो यू नो, वेरी डिसिप्लिन, कमिंग ऑन टाइम, गोइंग ऑन टाइम. नाइट शिफ्ट होती थी तो ही इज टू लाइक यू नो बी ऑन टाइम. ही हैज़ बीन द मोस्ट डिसिप्लिन एक्टर, ही एंड कमल हसन, जो दो एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, वेदर इट्स हेल्थ और देयर वर्क प्रिपरेशन, कमिंग ऑन टाइम, परफेक्ट. कमल हसन ऑल्सो. Yes, these two actors were really. Aki was always disciplined, and he is still, I think. He is. So, kabhi socha tha Akshay Kumar ke saath apne kaam kiya hai? Kabhi socha tha ki ye bahut bada star ban jayega? Yeah, yeah. Shuru se hi pata. You had this. Everybody thought in your head. Yeah, yeah. But when I worked with him, he was already a known Akshay Kumar. जब मैंने उनके साथ काम किया था सैनिक एंड नजर के सामने, वो अक्षय कुमार बन चुके थे. हाँ. He was not a new com. Okay. जैसे कि नए लड़के आ रहे हैं ऐसा नहीं था. ही वॉज अक्षय कुमार. या काफी लंबे रेस तक घोड़ा बने आज तक है और भी चलेगी और 10-15 साल तो. अक्षय इज लिसनिंग. सी, इतना प्यार तो कहीं नहीं मिला होगा उनको जितना आपसे मिल रहा है. ही इज अ लवली बी. आई टोल्ड यू नो, वो इंसान बहुत अच्छे हैं. वो अपने रूट्स को नहीं भूलने वाले इंसानों में से वो लोग बहुत चलते हैं. जमीन पे जिनके पैर होते हैं ना, तो वो हमेशा आसमान की ऊंचाइयों को बहुत देखते भी है, महसूस भी कर सकते हैं. सो ही इज वन ऑफ देम. ओके, अक्षय के बारे में तो बहुत बात कर ली, अब आपके वापस से आपकी दुनिया पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. सो जब आपकी ये फिल्म रिलीज होती है, काफ़ी फिल्में आप कर रही हैं, पॉपुलर हो गई हैं, लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, फेमस हो गई हैं, तो इसके बाद जो है आपको लगा कि कोई ऐसी एक्ट्रेस है इंडस्ट्री में जो कहीं ना कहीं आपसे यू नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील कर रही हैं, ऐसा कभी
नहीं, एवरीबडी गॉट देयर ओन वर्क, अपने हिसाब से सबको अपने रोल्स मिलते थे, तो ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. आई नेवर फेल्ट दैट वे, बिकॉज मैंने कहा ना, जब मैं हिंदी फिल्म्स कर रही थी, मुझे साउथ की बहुत फिल्में मिल गई थी. तो जब मैं साउथ चली गई तो ऑब्वियसली यहाँ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता. फिर जो हाँ, दिव्या यूज़ टू बी माय वेरी गुड फ्रेंड, दिव्या भारती, वाओ, लवली गर्ल. हाँ, तो मुझे नहीं, कॉम्पिटिशन तो नहीं बोलूँगी, तो बहुत अच्छी दोस्त थी. तो और वो जहाँ शूटिंग होती थी मैं कभी वहाँ चली जाती थी. हम साथ में मैसूर में भी काफ़ी वक्त गुजारा था, उनके घर हमारा आना जाना था. तो उनके गुजरने के बाद फिर लगा कि दोस्त चली गई. बहुत अच्छी दोस्त थी दिव्या भारती. दिव्या भारती के बारे में कुछ हमें ज़्यादा बताएं, क्योंकि वी रियली मिस हर. हाँ, आई मिस हर अ लॉट, बिकॉज मेरा उनके फैमिली के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी. बहुत अच्छी, जैसे मैं हूँ, मे बी इससे भी 1000 times ज़्यादा. बहुत चुलबुली, बबली, शी डिडंट केयर अबाउट व्हाट पीपल आर टॉकिंग, थिंकिंग, बट प्रोफेशनल एंड सो ब्यूटिफुल, सो परफेक्ट फॉर द स्क्रीन. But too early to leave this world. So, आखरी कुछ आपको इंटरेक्शन याद है दिव्या भारती के गुजरने? हाँ, उनके गुजरने के 4 दिन पहले हम साउथ में मद्रास में साथ में थे. उस टाइम मद्रास होता था. हम साथ में ही थे, एक ही होटल में ठहरे थे. एंड जब उनको पता चला हम साथ में शूटिंग कर रहे, तो ऑफकोर्स मोबाइल फोन नहीं होते थे जी. तो हम एक दूसरे के रूम में कॉल करके, यू नो, आर यू देयर, यू नो, या यू शूटिंग टुमारो, नहीं. तो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. कभी वो आ जाती थी, एंड हम दोनों की एक बात में बहुत लड़ाई होती थी, और मैं चिढ़ जाती थी. फिर मैं आंटी से शिकायत करती थी कि ऐसे मुझे बोलती है, आई डोंट लाइक इट. आई मीन शी इज़ टू ऑलवेज माधुरी लगती है. मम्मा सी ना, शी लुक्स लाइक माधुरी. सो एंड आई टू लिटरली फील की तो बार बार ये क्यों बोलती है. एंड देन आई से यू लुक लाइक श्रीदेवी, बिकॉज शी रिजेंबल श्रीदेवी अ लॉट. शी डिड. सो हम दोनों में ये एक लड़ाई होती थी, बट वो थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा हो जाता था. एक बार उसने गुस्से में मेरे बाल काट दिए, कैंची लिए और काट दिए मुझे. श्रीदेवी, शी लाइक्स व्हेन आई कॉल्ड हर श्रीदेवी. ओके, बट यू डिडंट लाइक व्हेन शी कॉल्ड यू माधुरी. नॉट, बट एवरी टाइम कोई बार बार बोले तो फिर वो थोड़ा सा लगता है ना. हाँ, पर ये जग जाहिर था, आपको माधुरी से कंपेयर तो किया ही जाता था. कंपेयर एंड लुक्स किया जाता था जी, बिल्कुल. लुक अलाइक कहा जाता था. व्हिच आई डिडंट लाइक. यू डिडंट लाइक? आई डिडंट लाइक. व्हाई सो? नो, आई सी एवरीबडी हैज़ योर ओन पर्सनैलिटी. करेक्ट. सो अगर कभी कभार आप किसी को ये कहो, अच्छा आपकी शक्ल अनिल कपूर से मिलती है, आपकी शक्ल किसी से मिलती है, एक आध बार बार दो बार, लेकिन हाँ कॉम्प्लीमेंट लगता है. बट अगर वो रट्टा मार आदत बन जाए किसी की, तो फिर ना वो चीज़ फिर चुभने लगती है. मेरी क्या एग्जैक्टली चाइना. अभी हाँ, अभी भी वो लोग फोटोग्राफ देखते हैं इंस्टाग्राम, यू लुक लाइक माधुरी. लाइक, ठीक है यार, अब जो शक्ल है खुदा ने बनाया, एक इंसान ऐसे तो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग मिलते हैं शक्ल, तो उसका कुछ नहीं कर सकते. बट ठीक है, उस टाइम पे मेरा और दिव्या का थोड़ा ठसमस होता था. बट व्हेन शी लेफ्ट द वर्ल्ड, थोड़ा तकलीफ बहुत हुई थी. इंपैक्टेड यू सो मच? बहुत इंपैक्टफुल, बहुत ज़्यादा. क्योंकि उनके घर पे, उनके गुजरने के बाद भी 8 महीने तक मैं उनके घर रोज़ ऑलमोस्ट जाती थी. इफ़ आई वॉज नॉट शूटिंग आई एज टू बी इन अ हाउस. उसके जितने भी लेफ्ट ओवर्स कपड़े जितने भी थे, सब आंटी ने मुझे दे दिए थे. उसके सारे दीवाने की फिल्म की शूटिंग के कपड़े, उसके शराग, उसका कॉर्सेट तक मेरे को दिया आंटी ने. सो आई रिमेम्बर लाइक. सो दिव्या भारती की कहीं ना कहीं बेस्ट फ्रेंड थी, क्लोजेस्ट फ्रेंड. या बेस्ट तो नहीं, बट फिल्म लाइन के हिसाब से क्लोज थी. बेस्ट उसके स्कूल के फ्रेंड्स लोग थे बहुत. जिस दिन शी डाइड, उस दिन उनके स्कूल की फ्रेंड से ही मिलने गई थी. अच्छा. या व्हेन दैट नाइट जब पार्टी थी जी, उनके घर पे, आई टोल्ड यू 4 दिन पहले हम मद्रास में साथ में थे. हाँ. तो शी सेड आई एम गोइंग टू बॉम्बे. सो शी वाज इन बॉम्बे, आई वाज इन बॉम्बे, एंड वी स्पोक टू ईच अदर. नेचुरल्स आइसक्रीम के बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग उनकी थी, अर्चना कुटीर. ओके. तो बात तो हुई थी कि चल ठीक है, यू नो, 3-4 दिन. आई वाज शूटिंग फॉर रुपेश कुमार मेरी आन विद अय्यूब खान. ओके. तो हमारी मडाइलैंड में शूटिंग चल रही थी, शादी का सीन चल रहा था रात का जी. तो रात को ही फोन आ गया कि दिव्या इज नो मोर. उसी दिन शी डाइड. आई थिंक वी स्पोक इन द मॉर्निंग और अ डे बिफोर समथिंग लाइक दैट. हां, दैट आई एम गोना मीट माय बेस्ट फ्रेंड्स इन बैंड्रा एंड दिस एंड दैट. पर उनके डेथ का कॉज क्या था? शी फेल एक्सीडेंटली. एक्सीडेंटली हुआ? एक्सीडेंटली, बिकॉज़ शी जस्ट टर्न. एंड आंटी ने मुझे बताया कि उनकी जो मेड है, उन्होंने वो देखा था उसको गिरते हुए. अच्छा. हाँ, बिकॉज उसको लगा हाँ हस्बैंड के. सो शी जस्ट टर्न तो किचन के नो ड्राइंग रूम के से खिड़की से. या सो दिव्या भारती जी का जाना तो बहुत पेनफुल था. हम हमेशा उनको याद रहेंगे. जब तक फिल्म इंडस्ट्री रहेगी तब तक दिव्या भारती हमारे जहन में ज़रूर रहेगी. द मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट गॉर्जियस एंड ब्यूटिफुल, ऑफकोर्स कमिंग दिस फ्रॉम गॉर्जियस लेडी हरसेल्फ. एंड अब बात करते हैं आपके दूसरे काफ़ी ज़्यादा सराहे जाने वाले को स्टार, जिसको फैंस ने बहुत पसंद किया था. दूसरे कौन? आप ही बताइए.
आर से नाम है उनका, रोनन जी। वो दूसरे नहीं है एक्चुअली, पहले क्वेश्चन है, पहले है, लेकिन अक्षय के बारे में बात कर लिया तो उस वजह से ही दूसरे हुए। सो या यू डिड योर फर्स्ट डेब्यू फिल्म विद, फर्स्ट फिल्म विद हिम, सेकंड फिल्म विद हिम, देन तहकीकात आल्सो विद हिम, सो वी हैव डन थ्री फिल्म्स टुगेदर। आपकी जोड़ी को बहुत पसंद किया, लेकिन क्या हुआ कि तीन फिल्मों के बाद फिर इस जोड़ी पे ब्रेक लग गया? देन ऐसे होता है ना कि आई स्टार्टेड गेटिंग मूवीज विद अदर एक्टर्स, जैसे अविनाश वाधवान, देन आपकी, देन अयूब खान, तो ये सारे थे ही ना उस जमाने के हीरोज, सो ऑब्वियसली इवन ही गॉट मूवीज विद अदर हीरोइंस। राइट राइट, लेकिन तब का ये जमाना था 90s में कि एक जोड़ी जब हिट होती थी तो बैक टू बैक, उसी बैक टू बैक, इसलिए बिकॉज वो हिट होने के बाद लोगों को, एक तो गाने इतने अच्छे हिट थे उस फिल्म के, केमिस्ट्री दिखती थी, तो लोगों को उस टाइम का, आई थिंक मी एंड रौनक वी मेड अ बेस्ट जोड़ी ऑन स्क्रीन, दैट इज ट्रू। या और आपको लगा था कि फिल्म के गाने इतने हिट होंगे? जब हम मूवी की शूटिंग भी हो रही थी तो ये नहीं पता था ये पिक्चर इतनी बड़ी हिट होगी। क्या बात है, गाने तो हमें बहुत मजा आता था, गाने बहुत अच्छे थे क्योंकि नदीम श्रवण की म्यूजिक थी, तो गाने अमेजिंग सॉन्ग्स, बट पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो जाएगी और हम लोगों को इतना पसंद आएंगे तो वो नहीं सोचा था। हाँ, वो नहीं सोचा। अब फिल्म में जो गाना है फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, वो गाना कितना आपको पसंद है वो गाना? मुझे तो इसके सारे गाने पसंद है जी, आई स्टिल गो फॉर अ वॉक एंड होता है ना आई गो बैक टू मेमोरीज, तो मैं वो लगा के एंड मुझे नॉस्टैल्जिया होता है तो आई जस्ट लव इट। सो पहली फिल्म जो आपकी ये थी उस पर आप मुझे बताइए कि पहला सीन कौन सा था, फर्स्ट डे शूट पे पहला कौन सा सीन आपने शूट किया था? आई डोंट रिमेम्बर। यू डोंट रिमेम्बर दैट? मुझे सिर्फ, मैंने कहा ना वो मुहूर्त शॉट जो दिया था वो याद है मुझे, बट मेरे को इतना याद है थोड़ा सा, आई रिमेम्बर वी डिड कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे, दैट सॉन्ग ऐसा मुझे याद है। फिर सीन्स तो होते होंगे इधर उधर किया होगा, बट आई रिमेम्बर हमने पहला शेड्यूल सिलवासा में किया था। अच्छा, तो सिलवासा में ये गाना शूट हुआ था कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तो जिसमें मैंने पहली बार अपनी लाइफ में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना था। और आई स्टिल रिमेम्बर जब वो पानी में गिरने का, बिकॉज स्विमिंग पता ही नहीं था, स्विमिंग आती नहीं थी, तो मैंने रौनित के पूरे बॉडी में मेरे पूरे नाखूनों के निशान थे, बिकॉज वो गिरने का शॉट था, मैं थी कस के उसको पकड़ती थी कि उसको भी डुबाती थी खुद। सो दोज वर द मोमेंट्स, वो मेमोरीज है। सो फिल्म में आपका कोई ऐसा फेवरेट यू नो कोई मेमोरी, कोई सीन जो आपको बहुत मजा आया करके? मेरे को गाने, मतलब मुझे गाने और जितने भी गाने हुए, हम लाख छुपाए प्यार मगर रोने ओ लवली ब्यूटीफुल सॉन्ग, थोड़ा गुनगुना लीजिए। मेरा फेवरेट है मैंने ये दिल तुमको दिया ओ मेरी महबूबा, ये मेरा फेवरेट है। लवली, सो आई एंजॉयड डूइंग द सॉन्ग्स, डांसेस, रोमांसिंग ऑन स्क्रीन विद हिम, तो वो मुझे अच्छा लगा। सीन्स तो नॉर्मली कॉलेज गोइंग गर्ल का सीन था, तो कोई भी सीन ऐसा कोई चैलेंजिंग सीन नहीं था कि ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया, ऐसा नहीं था, नेचुरली बस छोटा मोटा अच्छे सीन्स थे जी, बट जो गाने में एलिमेंट्स थे और बहुत उसका मज़ा ही कुछ और था। अच्छा, वैसे आपने एक्टिंग की तालीम नहीं ली है ना? नहीं, ना मैंने ली ना मेरे बेटे ने लिया। क्या बात है, मैंने कहा ना जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये लड़की बहुत खूबसूरत है, ये बॉर्न क्रिएटिव। तो बस शायद वो कहते हैं ना, जब मैनिफेस्ट करते हो आप कोई चीज को, बहुत वो आ जाती है सामने, शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो आपकी हो जाती है। हाँ। तो रौनित रॉय के साथ आपने तीन फिल्में की, तीनों हिट फिल्में थी, तीन की चार कह रहा हूँ, तीन की शायद, तहकीकात, जान तेरे नाम, सैनिक, आई थिंक सो। सो उसके बाद फिर जो है रौनित रॉय का करियर कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ चलता गया, आपको क्या लगता है? आपने उनके साथ बहुत नज़दीकी से काम किया है, ऐसा हम क्यों सिर्फ हुआ को-स्टार्स थे, नज़दीकी में मीन्स हम सिर्फ को-स्टार्स थे, शूटिंग पे आए, हेलो कैसे हैं आप, शॉट दिया, काम किया, एक दूसरे के सीन्स में अलग, वो ज़माना ही ऐसा था। पर जैसे आपने बताया कि अक्षय के साथ आप बहुत घुलती मिलती थी, अक्षय के साथ मैंने कहा ना अक्षय खुद वैसा था। अच्छा, अक्षय जैसे मैंने कहा लक्ष्मीकांत बिड्डे, गुड्डी मारुति, ये सारे बैठते थे तो अक्की उनके बीच में बैठ के खूब इंजॉय करता था, चाहे मैं हूँ, अश्विनी भावे ना हो, वो उनके साथ भी जेल करके एक माहौल क्रिएट करता था। वो बंदा ऐसा है, ही इज़ अ चार्मर, एंड देन ही नेवर, आई डोंट थिंक सो, आज तक भी वो अपने पुराने कोस्टार्स को मिलेगा, ही विल मेक देम फील द सेम, जो मुझे ऐसा लगता है। सो रौनित के साथ ऐसे था कि हाँ, ही वॉज ऑलवेज वेरी इंट्रोवर्ट, शूटिंग पे आना, सेट पे अपना काम करना, दैट्स इट, ऐसे ही था। सो रौनित रॉय वाज मोर सीरियस, काम से काम, मुझे हाँ वो टाइम पे ऐसे ही हमारा था, काम से काम एंड दैट्स इट। सो तीन फिल्में करने के बाद भी थोड़ा भी फ्रेंडशिप फ्लरिश नहीं हो पाया? नथिंग लाइक दैट, नो,
मुहूर्त शॉर्ट से तीन मूवीज तक का आई डोंट नो अबाउट हिम मच, पर ये बात अगर ऑडियंस जानेंगे तो काफी शॉक हो जाएगी कि आपका जो बॉन्डिंग है उसमें, हाँ सिनेमा में, दैट मींस वी आर गुड एक्टर्स ना, है ना, कि मतलब गुड एक्टर, हाँ इतना पसंदीदा जोड़ी है, हम बात नहीं करते थे एक दूसरे के साथ, द मोमेंट कैमरा होता था एंड देन वी यूज्ड टू रोमांस, यूज्ड टू लाइक, जो भी डायलॉग होते थे वो इतनी शिद्दत से हम एक दूसरे को डिलीवर करते थे, तो वो बहुत केमिस्ट्री अच्छी होती थी. क्या बात, तो इसका मतलब हम दोनों एक्टर्स अच्छे थे, बेहतरीन एक्टर्स फॉर श्योर. सो जब उनका डाउनफॉल रॉनित रॉय का, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत गलत फिल्में साइन कर ली थी. No comments. Poor decisions. No comments for sure. But of course, like I wouldn't comment on somebody's career. So right. बट मैं एज एन ऑडियंस कह सकती हूँ कि बैक टू बैक उनकी फिल्में जो है फ्लॉप हो रही थी कहीं ना कहीं. ऑफकोर्स वो बेहतरीन एक्टर है, क्योंकि मैं नहीं हीरोइन थी ना इसलिए. देयर यू गो. अगर मैं हीरोइन होती इस फिल्म की, शायद आई एम श्योर वो भी हिट होती. क्या बात है, रॉनित रॉय यू हैव टू लिसन टू दिस. नो रॉनित, आई एम जस्ट किडिंग. या तो ऐसे था, या सो आई डोंट नो अबाउट हिज करियर, लाइक वॉट मूवीज ही चोज और वॉट ही डिड, बिकॉज मैंने कहा जब जानते रहे नाम रिलीज हुई तो हिट हो गए थे, मुझे बहुत फिल्में मिली, मुझे साउथ में बहुत फिल्में मिली, लाइक मैंने कहा मैंने तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ा सारी मूवीज़ की है विथ ऑल द बिग स्टार्स, तो उतना मसरूफ़ थे, पैसे बहुत मिलते थे वहाँ पे साउथ में, साउथ में बहुत पैसे मिलते थे. फिर हमने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ खरीदी, उस ज़माने में लोखंडवाला में 12-15 लाख में फ्लैट मिलता था 2-bedroom हॉल का, तो ऐसे करके हम पैसे कमाते थे और प्रॉपर्टीज़ खरीदते थे. तो यू नो वो जो धुन था कि या यू हैव टू मेक मनी, यू हैव टू बाय अ हाउस फॉर योर सेल्फ, बाय अ कार फॉर योर सेल्फ, तो खुद ही घर चलाना है, खुद ही सब करना है, पापा से कब तक लेते रहे. फर्स्ट कार कब खरीदी आपने? फर्स्ट कार मैंने खरीदी थी जान तेरे नाम के वक्त ही, जब मुझे इंस्टॉलमेंट मिला था. क्या बात है, तो हमने इंस्टॉलमेंट पे ही थी, और वो भी सेकेंड हैंड थी, मारुति 800 जो भी है, तो वो भी सेकेंड हैंड थी 85,000 की, तो वो भी इंस्टॉलमेंट पे ली थी. वो अच्छी फीलिंग आई होगी ना. That car was like, yeah, right. अच्छा साउथ में आपको बिंदिया के नाम से जाना जाता था ना? Because जब मैंने पहली फिल्म की थी ना कमल जी के साथ, जी, तो तमिल में there is no alphabet for, for नहीं है, if you go and Google and search. जी. तो मैंने पूछा भी कमल सर को, मैंने कहा सर स्क्रीन पे क्यों फरहीन नहीं डाल सकते, इसे there is no alphabet for. सो देन दे सेड ओके लेट्स क्या रखें. सो देन वहाँ पे हमारे कुछ यहाँ के भी लोग थे, उन्होंने कहा आपकी शक्ल बिंदिया गोस्वामी से मिलती है, तो लेट्स कीप योर नेम बिंदिया. सो दैट्स हाउ द नेम बिंदिया केम. एंड मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि मेरी आवाज़ और मेरी शक्ल बिंदिया गोस्वामी से मिलती है, और कई बार मैंने भी उनको स्क्रीन पे देखा, मुझे लगा आँखें और आवाज़ मिलती है उनसे, मिलती ज़रूर है. वो तो माधुरी से भी मिलती है, यहाँ पे आपको पसंद नहीं है, वहाँ पे पसंद है और नाम भी बदल दिया, ये क्या हुआ? नहीं नहीं, माधुरी से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फेस कट सेम है, फेस का जो कटिंग है वो सेम है जी. मे बी आर स्माइल्स वुड बी डिफरेंट और यू नो, बट शी इज मोर ब्यूटीफुल, सो यू आर इक्वली ब्यूटीफुल. हमने बहुत बात कर ली आपकी फिल्मी जर्नी के बारे में, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर पर्सनल लाइफ. लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ इन अ मोर डिटेल मैनर. सबसे पहली बात तो पर्सनल लाइफ की बात करें तो आप काफ़ी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से आती हैं. नॉट वेरी कंजर्वेटिव बिकॉज मेरी मम्मी हिंदू थी. ओके. सो बहुत कंजर्वेटिव भी नहीं था, लेकिन पापा बीइंग अ मुस्लिम थोड़ा बहुत था, बट हम ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं कह सकते, बट परवरिश वैसे हुई है जी, हर चीज़ कायदे में रखकर. बोर्डिंग स्कूल है तो लड़कियों का बोर्डिंग स्कूल होना चाहिए, ऐसे था. और आपके घर में किसी का फिल्मी दुनिया से ताल्लुकात नहीं था? जस्ट बिसाइड दैट माई मदर न्यू रीना रॉय एंड बरखा रॉय, दैट्स इट. और अगर इन दोनों को आपकी मॉम नहीं जानती तो क्या फिल्मों में फिर भी आप नहीं आती? कैसे आती? नहीं आती, देर इज नो कनेक्शन ना. वो तो अचानक बोलते हैं ना, कभी वैसे हो जाता है, बाई फ्लूक हो जाता है, जस्ट बाई फ्लूक, जस्ट डेस्टिनी. तो जब बड़ी हो रही थी तो फिर आपने सोचा कि लेट मी डू एक्टिंग, एक्टिंग केम योर वे नेचुरली? हाँ, मैंने जैसे कहा ना कि वी जस्ट डिड मस्ती में एक फोटो शूट किया था जी, तो उस टाइम 5,000 रुपये भी इकट्ठा करने को परेशानी हो रही थी कि कहाँ से लाएंगे 5,000, बट मैनेज किया कैसे भी करके इधर उधर से लेके, एंड वी पेड 5,000 रुपीज़ उस जमाने में फोटोशूट होता था विद मेकअप. ओके. तो वो किया एंड एज आई टोल्ड यू जिमी अंकल स्टेड इन द सेम बिल्डिंग एज द फोटोग्राफर स्टेड, तो रात को उनके घर पे डिनर पे गए थे. हाँ. तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक लड़की की फोटो ऐसे टंगी हुई है, सूख रही थी जी. तब उन्होंने कहा ये कौन है? तो उससे कि रीना को आप फ़ोन करो, शी कैन प्रॉबेबली यू नो गिव यू द डिटेल्स. तो दूसरे दिन मैं वहाँ पे कहीं पे थी, उन्होंने बोला कि आपको ना दीपक बलराज के ऑफिस में बुला रहे हैं. तो ऐसे नो नो आई विल नॉट, कोई 4-5 लोग आ गए, कौन है ये लोग यू नो. तो बोले नहीं, वो फिर मैंने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने कहा नहीं आप जाओ,
तब बाबू भाई से मेरी इंट्रोडक्शन किया था जी जी, तब उन्होंने कहा गो एंड मीट, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई मेट बाबू भाई फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द फिल्म हैपेंड। या इट हैपेंड मेरी शर्तों पे। आपकी शर्तों पे, क्या बात है। तभी मैंने आपको कहा शुरुआत में कि वेरी बोल्ड, वेरी ऑडेशियस, वेरी बोल्ड। मेरी शर्त बिकनी नहीं पहननी, आई एम गोइंग, जा रही हूं। अच्छा ओके ओके, लेट्स डू इट। वेरी नाइस। अच्छा, हमने कहीं बहुत जगह ये लिखा गया है कि आपकी चाइल्ड मैरिज हुई थी। मुझे भी अजीब लगता है जब मैं लाइक आई फील लाइक, मुझे देखकर आपको लगता है कि ये लड़की चाइल्ड मैरिज तो छोड़ो, अपने माँ बाप की मर्जी से भी शादी करेगी। पॉइंट है, बिल्कुल नहीं लगता। या यू स्पीक योर ओन माइंड। नो आई कांट, एज आई टोल्ड यू, मैं कोई चीज़ अगर लाइफ में रिग्रेट नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी शर्तों पे ही ज़िंदगी जीती हूँ। मुझे कोई भी मेरी ज़िंदगी को चला नहीं सकता, आज भी कोई नहीं चला सकता। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और मैं अपना घर भी खुद चलाती हूँ, अपने बच्चों को भी चलाती हूँ, और मेरे घर सिर्फ मेरे ही मतलब होते हैं ना, इस पर चलता है। क्या आई एम द होम मिनिस्टर, यू द होम मिनिस्टर, सो दैट्स ऑल फॉल्स, गलत है कि चाइल्ड मैरिज, कौन चाइल्ड मैरिज, 90s में कौन चाइल्ड, अभी इतना ये कोई ज़माना थोड़ी है चाइल्ड मैरिज का। Correct. मेरे ख्याल से चाइल्ड मैरिजेस जो होते होंगे आई थिंक 50s या 60s में होते होंगे शायद। बिल्कुल हाँ, पर ऐसा काफ़ी जगह ना सेविंग एंड बॉम्बे की लड़की को चाइल्ड मैरिज, वो भी शी इज ब्रॉट अप इन अ कॉन्वेंट स्कूल, आई एम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, ओके, माउंट मैरिज इज अ कॉन्वेंट स्कूल, सो ऐसे नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऑनलाइन पोर्टल्स और विकिपीडिया पे भी जो है यही लिखा हुआ है, सो प्रोबब्ली विकिपीडिया विल हैव टू बी रेक्टिफाइड। या इट हैज टू रेक्टिफाई, और उसमें ये भी लिखा है कि मैं तमिल फैमिली से हूँ। तमिल, हाँ, तमिल मुस्लिम है आप, और आपकी परवरिश चेन्नई में हुई। या नो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग एक्चुअली, आई एम, और उसमें मेरा ईयर डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, बिकॉज जब उनको पता ही नहीं कहाँ पैदा हुई तो वो मंथ भी शायद अगस्त है, ऐसा कुछ डाला हुआ, आई डोंट नो। आई एम नॉट बॉर्न इन चेन्नई, आई हैव वर्कड अ लॉट इन साउथ इंडियन फिल्म्स, सो मे बी उस टाइम पे जिन्होंने बनाया होगा उनको लगा होगा ये साउथ की है, बिकॉज मेरी फिल्म बैक टू बैक सुपर हिट हुई थी वहाँ पे। ओके, बट आई डोंट इवन नो द लैंग्वेज, आई एम नॉट ब्रॉट अप बॉर्न देयर, आई एम बॉर्न इन औरंगाबाद but brought up, studied, lived all my life in Mumbai. In Mumbai, so yeah. That also needs to be changed. Yeah. Okay. Yeah. Moving forward, उसके बाद फिर आप जैसा कि आपने बात बताई दिया कि child marriage तो हुई नहीं थी, तो कायदे से आप नहीं थी, और मेरे जैसी personality मतलब इस चीज़ को मैं बढ़ावा भी ना दूँ, और जहाँ हो तो वहाँ पर भी जाके मैं you know I can take an action because social working भी करती हूँ, so I can't take this and I can't make this happen in front of me with anybody, with any other girl also. Okay, so I don't know where it comes from. मेरी दुआ भी बहुत जल्दी कबूल होती है, इसलिए क्योंकि बहुत पावरफुली मैं यूनिवर्स को थ्रो करती हूँ चीज़ें, बहुत स्पिरिचुअल हैं आपके ऑरे में मुझे लगता है। आई एम स्पिरिचुअल, आई एम अ पर्सन हु वेक्स अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, 3 बजे, 2:45, 3 बजे, 3 बजे उठ के नहा के, देन आई सिट एंड डू नाम यो रेंगे क्यों, देन आई डू नमाज, एंड देन आई टॉक टू वो, अब यहाँ तो खैर हम दिल्ली में तो घर ऐसा है बड़ा बंगला है, छत पे जाके आसमान से बात करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है, तो वो खिड़की खोल के देन आई टॉक बात करते हैं। हाँ, आई टॉक टू द यूनिवर्स। सब शुरुआत से ऐसी थी अब? नो नो, सो ये बदलाव कब आया, कब आपको यूनिवर्स पे भरोसा होने लगा? अब व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट अबाउट, क्या होता था मुझे बहुत डाउट, मुझे ना बहुत रिलीजियस लोगों से, फेनाटिक लोगों से एलर्जी है। ओके, बहुत ज़्यादा जो फेनाटिक होते हैं ना, मे बी हिंदू और मे बी मुस्लिम, जो फेनाटिक्स होते हैं नमाजें पढ़ रहे हैं और ये नहीं ये करना गुनाह है, बिल्कुल कट्टर जो होते हैं, कट्टर जो होते हैं, तो मुझे उन लोगों से एलर्जी मतलब नफरत है। मैं बोलूँगी आई रियली डोंट केयर वो हु वॉन्ट्स टू यू नो डू वॉट, बट मुझे है, सो आई डेलिब्रेटली मेरे, मैं जब 15-16 साल की थी तभी मुझे ऐसा लगता था मैं हिंदू से शादी करूँगी, हिंदू से शादी करूँगी, हिंदू से शादी करूँगी, मैं मुस्लिम से नहीं करना, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो देम वट आई वॉन्ट टू डू दैट। You see, so when I married my husband, I told him that मैं हमेशा ये चीज़ करती थी, सोचती थी कि मेरे को हिंदू से ही शादी करनी है। I never wanted because seeing my father had 3 wives. So घर के अंदर वो देखने के बाद तो अरे पापा ये तो मुसलमानों का भरोसा नहीं। So ऐसा था, तो वो जब कट्टर लोगों को देखती थी, मे इट बी हिंदूज और एनीबडी, तो मैं थोड़ा उन लोग से दूर भागती हूँ, मुझे थोड़ी एलर्जी होती है, घबराहट होती है, सफोकेशन होती है, इट्स लाइक आई फील वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक उनके साथ, उनके अराउंड बैठ के मुझे वो फीलिंग अच्छी नहीं लगती अगर कोई बहुत प्रेशर डालता है धर्म के ऊपर। तो मैं फिर ना सोचती थी कि मैं क्या करूँ, तो मैं आई शुड रीड अ लॉट, आई शुड रीड अ लॉट अबाउट बुक्स, यू नो, कि एक्चुअल क्या है, व्हाट इज लाइफ,
कहाँ से आता है रिलीजन. देन आई वेंट इन टू अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग लुइस हे, उनको मैं फॉलो करने लगी. देन डॉक्टर एलन बर्ग को फॉलो करने लगी. ऐसे करते 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 बहुत सालों के बाद, एंड देन पास्ट 15 ईयर्स एंड आई बीन यू नो बीइंग वेरी स्पिरिचुअल, हाउ आई हैव टू मैनिफेस्ट थिंग्स, हाउ आई हैव टू, अगर मुझे मेरे बच्चे को भी कोई मैसेज देना है तो मैं यहाँ से दूंगी, यहाँ से नहीं देना है, वो भी मुझे ट्रिक पता है. क्या बात. यस एंड ही नोज दैट, वो जाता है, कनेक्शन है. काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज ने ना अपने इस लाइफ को मैनिफेस्ट किया है. फॉर एग्जांपल आलिया भट्ट की बात करें तो उन्होंने रणबीर को मैनिफेस्ट किया था, वो क्रश थे उनके. बट मैंने मैनिफेस्ट मिस्टर मनोज चुमाकर को नहीं किया था. पर अपने हिंदू मैंने सिर्फ ये मैनिफेस्ट किया था कि यार दैट आई वुड मैरी अ हिंदू. एंड मैंने जो तसव्वुर में जिस शख्स को हमेशा देखती थी कि ऐसा होना चाहिए, सो व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम आई सेड अरे ये तो वही है. सो यू मैनिफेस्टेड. यस आई मैनिफेस्टेड. सो ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर लव स्टोरी. या सो लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट वेरी मैरिज. ऑफकोर्स आपने बोला आपकी चाइल्ड मैरिज हो गई, ये तो कायदे से इनकी पहली ही शादी हुई है. मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी है, मैं उनकी सेकेंड वाइफ हूँ. ओके, बट हाँ ऑफकोर्स ही इज माई फर्स्ट हस्बैंड. जी, सो ये लव स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई है यहाँ पर, जो अभी एक ट्यूलिप स्टार होटल हो गया ना जुहू पर. जी जी, ये पहले सेंटोर होटल होता था. सेंटोर क्वाइट फेमस होटल है. तो आई मीन मैं उस जमाने में जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेस थे सब उधर ही जिम में मेंबर्स होते थे. दैट वाज द ओनली वन हब जहाँ सारे फिल्मी ही होते थे. तो आई वाज अ मेंबर देयर जिम. माय हस्बैंड हैड कम देयर फॉर सम ट्रीटमेंट, सो ही वाज स्टेइंग देयर. सो वो नीचे आए हुए थे जिम में, तो सारे वो ऑटोग्राफ दे रहे थे. एंड ही वाज गिविंग ऑटोग्राफ टू एवरीबॉडी. आई वाज लुकिंग एट हिम, यार ही इज सो गुड लुकिंग, सो हैंडसम, कौन है ये. एंड एज यू नो मी बाय नाउ, आई एम अ बिट लाउड. या मैं स्लो बात नहीं कर सकती हूँ, मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आती है कि मैं स्लो बोलूंगी तो कोई सुन लेगा. कि आई वांट समबडी आल्सो टू स्पीक लाउडर. या तो थोड़ा सा आई थिंक आई वाज अ लिटिल लाउडर, लाइक ऑन सेइंग कि कौन है ये. एंड एवरीबॉडी वाज देयर टेकिंग ऑटोग्राफ एंड Somebody saying, आ जाओ. उस जमाने में कैमरा लेके होते था तो फोटो निकालनी है. तो we heard that when I said कौन. मनोजी heard that. He was very famous. So he just looked at me like this कि ये कौन है जो हमें नहीं जानती है ना. And seriously, I didn't know him. तो फिर वो ऐसी बात करते करते बोलता, अच्छा ये क्रिकेटर है, अच्छा क्रिकेटर, पता ही नहीं क्रिकेट क्या होती है. आई नेवर सीन, बिकॉज मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी थी तो मुझे नहीं पता. मेरे घर में मेरे फादर क्रिकेट भी देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था तो वो सब पता था. सो आई नेवर सॉ माय फादर आल्सो यू नो वाचिंग क्रिकेट और समथिंग. स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता था जी. खैर बहरहाल जब लोगों ने बताया ऐसे रोके ओके, सो व्हाइल आई वाज गोइंग एंड सेड मिस्टर प्रभाकर आई एम सॉरी, मैं क्रिकेट का नहीं जानती हूँ, स्पोर्ट्स के बारे में, दैट्स व्हाई मैंने आपको पहचाना. तो उन्होंने कहा आपने नहीं पहचाना बट हमने आपको पहचाना. क्या बात है. ऐसे तो वो थोड़ा सा वहाँ से हल्का सा हलवा हुआ. देन सेकेंड डे अगेन आई केम, सो जस्ट लेट्स हैव अ कॉफी एंड दिस एंड दैट. सो बस. तो ये कौन से साल की बात है? 1994 यू गाइस मेट फॉर द फर्स्ट टाइम. 93 एंड 94 में देन वी. हां फिर तो 94 में आपकी शादी हो गई. ओके ओके. तो इतना शॉर्ट प्यारा सा जो रिश्ता आपका बना, तो आपको लगता नहीं कि आप खुद इतनी लॉयल हैं? आपने बोला कि वेरी लॉयल, वेरी वेरी, क्योंकि आपके घर में आपके डैड ने तीन शादियां. सो यू वांटेड अ मैन हु इज वेरी लॉयल. तो हाँ राइट. हाँ राइट, बिकॉज आप खुद ही एक बहुत लॉयल इंसान है. तो इनकी और की शादी हो रखी थी तो फिर आपकी शादी वाज इन ट्रबल. उस टाइम उनका ऑलरेडी ट्रबल सम मैरिज चल रहा था जी. सो मैं उनकी जिंदगी में जब आई थी तो हमारा प्यार नहीं हुआ था, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स. ओके, हम दोस्त थे तो उनके हर प्रॉब्लम में अच्छा ये हो गया अच्छा अच्छा. लेकिन मैं उनसे 10 साल छोटी हूँ तो इतनी समझ नहीं थी कि किसी की मैरिज को मैं प्रॉब्लम्स को यू नो मैं सॉल्व करने की मशवरा दूँ जी. बट आई वॉज लाइक अ सपोर्ट टू हिम. ओके, वो होते 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 बस हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाए. क्या बात है. तो हमारा वो था, लेकिन छुप छुप के मिलने से वो मिलने का जो मजा आएगा वो हमने काफी किया. अच्छा ये भी कहा जाता है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में थी उनके साथ. मतलब अगर मुस्लिम लॉ के हिसाब से देखा जाए तो हमारा निकाह हो चुका था. अच्छा. बट हिंदू लॉ के हिसाब से हाँ, दुनिया को नहीं पता. हाँ तो उस हिसाब से लिव इन कहेंगे. हाँ. लेकिन क्योंकि हिंदू लॉ के हिसाब से फिर जब उनका डिवोर्स हुआ देन वी गॉट मैरिड. ओके, सो वो कॉम्बिनेशन ऐसा है कि निकाह कोई मायने नहीं रखता और छुपाना भी था जी. एंड तो वो लिव इन, वो हिसाब से लिव इन है. सो 2009 में फिर हमने जब फेरो वाली शादी की सो लोगों को ऐसे लगता था अच्छा लिव इन था. और यू नो तो मेरी शादी जो फेरो वाली हुई उसमें मेरे बच्चे भी थे. ओके, सो मनोज जी का डिवोर्स 2008 में हुआ. लीगली
और आपने मुस्लिम रिवाज से निकाह कब की थी? कौन से साल? 94 ओके, 93 में मिलते हैं, एक साल दोस्ती निभाते हैं और 94 में प्यार होता है और शादी तब्दील हो जाती है। क्या बात है। लेकिन लोग उसको लिविंग कहते हैं या कोर्टशिप कहते हैं जैसे जी, आई डोंट केयर। कहीं ना कहीं इस चीज ने आपके करियर को अफेक्ट किया? नहीं, करियर को अफेक्ट इन द सेंस मैंने खुद ही अपने करियर को अफेक्ट करवाया, क्योंकि मैं प्यार में यू नो आई वाज लाइक सो मच, जहाँ मैचेस होते थे वो जहाँ होते थे मैं वहाँ चली जाती थी, सब मुझे ढूंढ रहे होते थे, फरीन का है, उसकी डेट है, उसकी शूटिंग है, सो आई वाज नॉट सीरियस। प्यार के मनोज जी के आते ही आपने अपने करियर को थोड़ा सीरियसली लेना छोड़ दिया? हाँ, मतलब वो एकदम छोटी भी थी, यंग थी, 21 व्हेन आई मेट हिम जी, तो वो एकदम से इतना ज्यादा वो हो गया था कि ही यूज्ड टू मेक मी अंडरस्टैंड के बी प्रोफेशनल, बिकॉज़ ही इज अ वेरी प्रोफेशनल मैन, ही इज वेरी डिसिप्लिन। आज भी जैसे मैंने कहा ना, मैंने अक्षय को जैसे डिसिप्लिन में देखा है, तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी वैसे ही है, वेरी डिसिप्लिन। खाना टाइम पे, वर्कआउट, एक्सरसाइज, उनका ना रूटीन होता है। तो हमारे घर में जब वो आते हैं ना, तो म्यूजिक सब बंद होके सब अपना अपना बैठ जाते हैं। ये पता है कौन सी फिल्म की याद दिलाई आपने? डीडीएलजे में जब अमरीश पुरी आते हैं और कैसे काजोल और वो, हाँ ऐसे ही है। क्या बात है। म्यूजिक जब क्लाउड म्यूजिक नहीं होना चाहिए। अब जब पापा चले जाते हैं तो मेरे दोनों बच्चे और हम, फिर वो स्पीकर बजते हैं, म्यूजिक बजते हैं, पार्टी। ही इज नॉट दैट टाइप, यू नो, उनको थोड़ा वैसे सिंपल और डिसिप्लिन वाले इंसान। और मेरे फादर इन लॉ भी ऐसे ही है। पर आप तो इतनी चुलबुली हैं। हाँ, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स है ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। क्या बात है। उनको मेरे बिना घर में मन नहीं लगता, कहते हैं ना कि तुम चली जाती हो तो बहुत सुना लगता है घर। अच्छा, ये बात हमने बहुत सुना है कि प्यार होता है एक टाइम पे, शादी भी हो जाती है, पर शादी के बाद प्यार धीरे 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 खत्म होने लगता है और जिम्मेवारी आ जाती है। आप बताइए अपनी जर्नी से, क्या प्यार अभी भी उतना ही अटूट है जो आपने 94-93 में किया था? बहुत ज़्यादा, उससे भी कहीं ज़्यादा, बिकॉज वेन यू आर एजिंग, उस वक्त कंपेनियनशिप की ज़्यादा आपको ज़रूरत है। उस वक्त फिर वो वाले प्रोसेस नहीं रहते, घूम रहे फिर रहे, सेक्सुअली आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंग्रॉस्ड हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब कंपेनियनशिप चाहिए, सो यू नीड ईच अदर मोर, ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, ज़्यादा ज़रूरत है साथ की। तो इस वक्त अगर प्यार नहीं है तो फिर प्यार कभी था ही नहीं। तो फिर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे रिश्ते टिकते नहीं हैं, कपड़ों की तरह रिश्ते बदलते हैं, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? क्योंकि मेरा तो हस्बैंड फिल्मी नहीं है ना, तो मेरे को तो इसका जवाब भी नहीं पता। अगर फिल्मी एक्टर होता तो शायद इसका जवाब मेरे पास होता। हाँ, लेकिन आप तो फिल्मी हैं, तो आपने अपने, मैंने आपसे कहा ना, मैं यहाँ से हमेशा कंजर्वेटिव थी, कभी फिल्मी नहीं थी, इट वॉज ऑलवेज अ नो, आई हैव नेवर डेटेड एनी एक्टर। मेरा कभी आपने किसी कोस्टर के साथ भी शायद कोई अफेयर नहीं सुना होगा। पर किसी ने आपको अप्रोच तो किया ही होगा? नहीं, ऐसे तो मतलब इतनी खूबसूरत हैं आप, आपको किसी ने अप्रोच नहीं किया होगा? अब जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी है, आप सोच लो सामने वाले वैसे ही डर जाए। आपको देख के ऐसा लगता है वो डर मैंने जानबूझ के बिठाया हुआ था। एक्सटीरियर ऑरा, यू हैव टू, आई विल टेल दिस टू द गर्ल्स नाउ आल्सो, जो बहुत इजीली गिव अप करते हैं, आई मीन दैट मींस दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स। इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से लाती हैं आप? आई डोंट नो, बट आई बीन अ वुमन हुज ऑलवेज लिव्ड लाइफ, एंड बोलते ना अपनी शर्तों पर जब आप जीते हो तो, और ज़्यादा स्ट्रगल मेरे को नहीं करना पड़ा, तो शायद इसलिए आई एम मोर कॉन्फिडेंट। मैंने जैसे आपसे कहा ना, मेरे को मेरे लाइफ में स्ट्रगल कभी मैंने नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता कि जो शायद बहुत स्ट्रगल करते हैं शायद वो गिव अप भी करते होंगे जी, शायद मैंने स्ट्रगल नहीं किया है, इसके लिए मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। और मेरे जो हस्बैंड है ना, ही इज़ वेरी सपोर्टिव, तो वो उन्होंने शायद मुझे ज़्यादा बिगाड़ा हुआ है, दैट इज़ द थिंग, स्पॉइल किया हुआ है पूरा फुल ऑन। अच्छा, अगर आपके प्रभाकर जी से लव अफेयर नहीं होता, वो आपके जीवन में नहीं आते, तो क्या फिल्मी करियर आपका अब तक चलता रहता? नो आइडिया। आई ऑलवेज टोल्ड यू, आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, आई गो विद द फ्लो। जैसा मेरे को जिंदगी लेके गई, जिस रुख पे लेके गई, जहाँ लेके गई वहाँ आई गेव माई 100%। जैसे मैं मूवीज में थी तो आई वर्क, आई फेल इन लव, तो फिर इसको निगलेक्ट करके यू नो वहाँ 100% दिया, फिर जब उनके साथ बस गई वहाँ 100% दिया, बच्चे हुए उनको, फिर उनकी जो फर्स्ट वाइफ का बेटा है उनको भी हमने साथ में रखा, उनकी भी शादी मुस्लिम लड़की से की। हाँ, तो यू नो, तो उनके बेटे अब तक आपके साथ हैं? हाँ हाँ, वो फैक्ट्री संभालते हैं हमारे, तो हिसाब से उनकी शादी हो गई। हाँ हाँ, ही इज़ 34-35 नाउ, तो उस हिसाब से आप ग्रैंड मदर। हाँ, सो यंग, इतनी सेक्सी हॉट ग्रैंड मदर तो नहीं मिल सकता किसी को देखने को, प्लीज वॉच आउट। तो उनकी भी शादी हो गई और मुस्लिम लड़की से ही हुई है जी, और मैंने shaadi.com में देख के उनकी लड़की पसंद की थी, तो ही इज़ मैरिड, ही इज़ वेल सेटल्ड, दो बेटियाँ हैं उनको,
और आपका लगाव प्यार उन लोगों से भी उतना ही है। हमारे घर में हमारे बच्चे प्यार, एवरीबॉडी इज लाइक ऑल, बहुत अच्छा है माहौल। यू आर हैप्पी? आई एम हैप्पी। एम अगर किसी का हम अच्छा करके खुशी मिलती है, उससे अच्छा कर्म तो हो ही नहीं सकता लाइफ में। सो पॉजिटिव। या वेल, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमने बात कर ली, फिल्म जर्नी के बारे में बात कर ली, अब आपके कमबैक के बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स आपके फैंस आपको मिस कर रहे हैं, सो व्हेन आर यू गोना डू योर कमबैक? कमबैक कर चुकी हूँ, एक वेब सीरीज मेरी मैंने की है, एक फिल्म की है डिप्लोमैट, तो ये दो तो कमबैक में है ही है जी। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, एंड एनी अदर प्रोजेक्ट यू आर एसोसिएटेड योरसेल्फ विद? अभी जस्ट कमिंग ऑन माय वे। ओके, अच्छा एक रूमर था कि 2014 में आपने जान तेरे नाम का रीमेक बनाया जा रहा था, जिसमें एक्ट्रेस की माँ का रोल करने के लिए आपको ऐसा कोई ऑफर आया ही नहीं मुझे। इट्स ऑल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आता है ये सब। इट्स ऑल ओवर द नेट। ना ना, इट्स ऑल ओवर द नेट। आई नो, दीपक जी ने मुझे इसका जिक्र किया था जी, कि ही इज मेकिंग JTN का सीक्वल बना रहे हैं, बट माँ का रोल है या किसका रोल है ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं था। उन्होंने सिर्फ मुझे ये पूछा था कि वुड यू बी इंटरेस्टेड, क्योंकि वो जब दिल्ली आए थे मेरे घर आए थे, तो मेरे हस्बैंड से भी मिले, उन्होंने बोला कि आप करोगी क्या? मैंने कहा अभी तो बच्चे छोटे हैं, तो इसे रिया बट अभी कभी हुआ बनाया तो विल यू वर्क? आई सेड दीपक जी फॉर यू एनी टाइम एनी डे, बिकॉज यू आर माई फर्स्ट डायरेक्टर, आपने मुझे मेरे को फर्स्ट ब्रेक दिया था एंड यू बिलीव्ड इन मी, सो व्हेनेवर यू कॉल मी आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। सो माँ का रोल भी अगर देते तो आप कर ले? हाँ, तो मैं माँ हूँ ना जी, बिल्कुल। तो क्या प्रॉब्लम है माँ का रोल करने? मेरा बेटा 25 साल का होने वाला है। क्या बात है, प्राउड मदर, व्हाई शुडंट आई डू अ मदर्स रोल? मेरी एज उस चीज को कॉम्प्लीमेंट करती है, मैं एक ऑलरेडी माँ हूँ, सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी। सो आप हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म? ऑफ कोर्स मेरी एज का भी अगर चैलेंजिंग रोल मिलेगा। अब जैसे मैं ये दो वेब सीरीज कर रही हूँ, इसमें मैं माँ नहीं हूँ, तो मैं कर रही हूँ ना चैलेंजिंग रोल, पावरफुल रोल। शांति प्रिया मैम जी मिली थी जब अक्षय कुमार से, क्योंकि वो लोग भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो तब जब फर्स्ट कोस्टा या सो व्हेन शांति प्रिया मैम मेट अक्षय कुमार, तो उन्होंने कहा था कि लिसन अगर कमबैक कर रही हो तो तुम्हें कोई हीरोइन ओरिएंटेड, तुम्हें हीरोइन नहीं बनाएगा कोई। बट इस एज में आपको भी ऐसा कहा देख करके, हीरोइन नहीं बनाएगा कोई? मेरे को किसी की हिम्मत नहीं बोलने की, क्योंकि मुझे मेरी औकात, मुझे मेरी स्टैंडर्ड, मुझे मेरा, मुझे मुझे पता है कि मैं उस थॉट प्रोसेस के साथ किसी भी मर्द के सामने नहीं या एक्टर के सामने बैठ सकती कि तुम मुझे हीरोइन बनाओ, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी मुझे बोलने की कि हेलो एक्सक्यूज मी। वन थिंग आई वांट टू मेक श्योर दैट मैं किसी के पास काम के लिए तो कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगी और ना मैं कभी गई हूँ, तो किसी की हिम्मत भी नहीं होगी मुझे बोलने की कि आप तो अब हीरोइन नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एज हीरोइन बनने की नहीं हो, क्योंकि मेरा बेटा हीरो बन गया है, तो मैं क्यों हीरोइन बनूँ अभी, मैं हीरो की माँ हूँ। क्या बात है, आई डोंट गिव एनी मैन इन दिस वर्ल्ड दैट ऑडेसिटी जो मुझे कोई ये शब्द मेरे लिए यूज करे। आई एम सॉरी, मैं काम के लिए, आई एम वर्किंग फॉर प्लेजर, देयर यू गो, नॉट फॉर एनीथिंग। आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ, आई हैव अ वेरी नाइस हस्बैंड, गॉड ब्लेस हिम, हु ट्रीट्स मी लाइक अ चाइल्ड, हु टेक्स केयर ऑफ मी सो मच, मेरे पैम्पर, जितना भी मैं ये उन पे जुल्म ढाती हूँ मस्ती में वो झेलते हैं मुझे, मुझे झेलना बहुत डिफिकल्ट है। मनोज जी के बारे में बात हो जाए, कैसे डील कर रहे हैं इतने सालों आपके साथ, तो सोचो फिर कितना प्यार करते होंगे। करेक्ट, जो आपको झेलता है ना लाइफ में, इसका मतलब आपसे शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। वो मुझे झेलते हैं और मैं, उन्होंने मेरे को मतलब मुझे, वो मुझसे 10 साल बड़े हैं उम्र में जी, तो उनकी जो कैपेसिटी है बर्दाश्त की वो बहुत बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है वो बिल्कुल मेरी तरह है, हाँ, और छोटा बेटा है वो बिल्कुल पापा की तरह है, सो वो पापा और वो जो मेरा छोटा बेटा है वो एक्चुअली हम लोग को झेलते हैं, तो सो आई थिंक इट्स माइनस माइनस नाइस हैप्पी फैमिली, सो नाइस, गॉड हैज बीन काइंड। यू वांट टू टॉक अबाउट स्किन केयर प्रोडक्ट? या ओके, प्लीज गो ऑन। नेचुरल्स, नेचुरल्स हर्बल्स हमने शुरू की थी 1996 में, so we started this with a production in Uttarakhand, okay, and it's doing well, we are all over India and abroad bhi hamara business, we are in Amazon, Flipkart, Snapdeel. You talk about that Naturans, I know this brand, yeah, I've used it, yeah, Naturans, bahut se salons mein use karte hain, so that's your brand, yeah. Kya baat hai, yeah. Naturans herbals mein jitna bhi production work hota hai ji, composition ya fir formulations ji, aur chemist ke sath baith ke unko karna ki kaun sa product mein क्या कितना परसेंट डलेगा, वो सारा मेरा काम है।
एनालिस्ट के साथ बैठना या केमिस्ट के साथ बैठना, कौन से प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, कौन सा प्रोडक्ट किस स्किन के लिए बेनिफिट है, वो सारा मेरा काम है. डिजाइनिंग, राइट अप, आई थिंक द होल वर्क करने के बाद फिर द प्रोडक्ट गोज टू द मार्केटिंग टीम, जिनको मेरे हस्बैंड संभालते हैं. ओके, सो नेचुरल्स इज देयर लाइक, तो या इट्स अ गुड प्रोडक्ट. Let everybody try. Everybody's already trying. It was a lovely interview for him, ma'am. Thank you for joining us on Bollywood Thikana. आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो सुनने में बहुत मजेदार है और काफी inspirational भी आपकी बातें लगी हैं. Everybody, all the women out there should be like Farheen ma'am, because she's very bold, audacious, talented and very good-hearted. Well, that was Farheen Prabhakar on Bollywood Thikana, and that's a wrap on this interview. Well, please subscribe our channel, Bollywood Thikana. Also, let us know in the comments section ki aapko is interview mein sabse achhi baat kaun si lagi. Aur agle kaun se aise star hain jinko aap interview mein dekhna pasand karenge. Thank you so much. Rakhiye apna khayal, rakhiye apno ka khayal. Thank you.